हम मोए मोए नहीं करेंगे। किसी से जुड़ने के लिए तरस रहा, जैसे मैं आप लोगों से जुड़ने के लिए तरस रहा हूँ। ये क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग फिलहाल में? अब रेगुलर वीडियो अपलोड होगी, अभी तक के लिए सॉरी। मैं कुछ और ही प्लान सोच रहा था लेकिन सक्सेस ही नहीं हो रहा था प्लान, तो फिर मैं इसी प्लान के साथ में कंटिन्यू हो रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। आज से अमीन की बात करते हैं, आज अमीन को डिस्कस करते हैं कि अमीन होती क्या है। आज से रेगुलर वीडियो, तो वीडियो के साथ में जुड़े रहिए। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो हम लोग इस लेक्चर में अमीन के बारे में डिस्कस करने वाले। अच्छा, अमीन होते क्या है? सबसे पहली बात तो अमीन होते क्या है, तो अमीन को कहते हैं अमोनिया। अरे अमोनिया क्या बात करते हो? अरे हाँ भाई, ये अमोनिया ही है जिससे अमीन का फॉर्मेशन होता है। आप कहोगे कैसे? तो देखते हैं कैसे होता है। एक्चुअली अगर हम लोग बात करते हैं, अगर अमोनिया से हाइड्रोजन को हटाएं और उसकी जगह पर एक एल्काइल या एराइल ग्रुप को लगा दें, तो उस कंडीशन में अमीन का फॉर्मेशन हो जाते हैं। अरे आप लोग कहोगे कैसे सर जी, आप कैसे बात करते हो? चलो करके देखते हैं ना। हमारे पास क्या है? एल्काइल ग्रुप, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, आर। ये क्या हमारा एल्काइल ग्रुप है। ये किसी से जुड़ने के लिए तरस रहा है, जैसे मैं आप लोगों से जुड़ने के लिए तरस रहा हूं। ये क्या है? एल्काइल ग्रुप है। और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम लोग? अमोनिया के साथ में। किसके साथ? अमोनिया। अमोनिया पहले से ये स्टेबल रखा हुआ, तीन हाइड्रोजन की जरूरत थी, तीन बॉन्ड की जरूरत थी, तीन बॉन्ड बना के बैठा है, लेकिन एल्काइल ग्रुप मान नहीं रहा है और कह रहा है ना मुन्ना ना, तुमसे ना हो पाएगा, एक काम करो हमें हाइड्रोजन छोड़ दो, हमें एक हाइड्रोजन छोड़ के हमें जोड़ लो अपने साथ में। नाइट्रोजन कहता है क्या होगा, अरे मजे करेंगे, अमीन बना लेंगे अपन लोग, और किसकी बात करते हो यार तुम भी। तो क्या करता है, इससे एक हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करता है, तो क्या बन जाएगा? आर। एक हाइड्रोजन कहता है चलो ठीक है टाटा बाय बाय, जुड़ जाओ। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और उसकी जगह पे कौन जुड़ रहा है? NH2। देखो अब कैसे हो गया, कहोगे सर तो समझ ही नहीं है। तो देखो अमोनिया है, अमोनिया पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा ऐसी टूटती थी, कैसी? H और NH2। ये H भाई सब निकल गए किसी अकेले किसी के साथ में, जिसके साथ में अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, जिसके साथ में अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, यानी ये निकल गए हाइड्रोजन साहब जी, और बचा कौन? NH2। NH2 इस आज तरस रहा था जुड़ने के लिए, वो कौन मिल गया इसको? NH2। और क्या बन गया? RNH2 का फॉर्मेशन हो गया, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अमीन कहते हैं। तो ये तो प्राइमरी अमीन हुई। अब ये क्या बात हुई? प्राइमरी अमीन हुई। तो प्राइमरी अमीन की अगर बात करते हैं, तो प्राइमरी अमीन के लिए कहते हैं, पहली बात तो अमीन है क्या, तो कहते हैं द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमीन क्या है? इट इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया के व्युत्पन्न को अमीन कहते हैं। जब उससे एक हाइड्रोजन निकलेगा तो वो प्राइमरी अमीन, दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो सेकेंडरी अमीन, तीन हाइड्रोजन है तीनों निकल जाएंगे तो वो टर्शियरी अमीन कहलाती है। देखें जरा, एक हाइड्रोजन और बचाता तो उसको और निकाल दे, किससे? एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप से। मैंने तो एल्काइल ग्रुप से अभी निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन फिर से निकला तो एक एच क्या होगा? कुछ इस प्रकार से लिख जाएगा ये, देखो जरा, H, NH2 ही है, दो हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं। चाहे तो आप लोग स्ट्रक्चर बना देते हैं थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, ऐसे बना देते हैं। तो कितने? दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दो हाइड्रोजन लगे यहाँ पे, एक हाइड्रोजन फिर से इस R की वजह से निकल गया, उसने अपने आप को त्याग दे दिया कुल मिला के, माने तो क्या हो गया? N और R, एक H ऊपर लगा था, वो लगा हुआ है हमारा। ठीक है, अब इस कंडीशन में इस नाइट्रोजन से दो दो एल्काइल ग्रुप लग गए हैं, और जब दो दो एल्काइल ग्रुप लग गए तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? सेकेंडरी अमीन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम लोग? सेकेंडरी अमीन कहते हैं। अगर ये हाइड्रोजन भी निकाल दें इससे, ये बचा कुचा हाइड्रोजन भी निकाल दें, और कौन कुछ को प्लस को आर को अगर जोड़ दें, तो उस कंडीशन में बना लेगा आर एन आर और आर। अब ये जो बन गया है, ये बन गई है तुम्हारी टर्शियरी अमीन का फॉर्मेशन कर लिया है। तो एक चीज और देखो, तो प्राइमरी अमीन
प्राइमरी अमीन किसे कहते हैं? द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया व्हेन वन हाइड्रोजन रिप्लेस फ्रॉम वन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय द एल्काइल ग्रुप। यानी प्राइमरी अमीन किसे कहते हैं? जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन एक एल्किल या एक एल्काइल ग्रुप यानी बेंजीन वाले ग्रुप के साथ अगर हटा देते हैं तो उससे प्राइमरी अमीन बनती है। फिर से एक हाइड्रोजन एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप से हटा दें तो उससे वजह से सेकेंडरी अमीन बनती है, और बच्चा कुछ हाइड्रोजन को भी एक एल्काइल ग्रुप से अगर हटा दें तो वो टर्शियरी अमीन बन जाती है। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं या फिर टाइप ऑफ अमोनिया की बात अमीन की बात करते हैं तो हमारे थ्री टाइप्स की होती है अमीन। ठीक है, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अमीन आर पॉसिबल इन नेचर। लेकिन नाइट्रोजन भाई साहब हैं ऐसा नहीं मानते, ये लोन पे लिए बैठे हैं अपने पास में, कहते हैं क्या बात करते हो हम क्वार्टरनरी तक बना देंगे, हम तीन की बात करते हो। तो ये क्वार्टरनरी अमीन का भी फॉर्मेशन करते हैं उसको भी अभी हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अपना। पहले तो अमीन क्या है? अमीन इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमीन क्या है? अमोनिया के व्युत्पन्न को अमीन कहते हैं जब उससे एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन या तीन हाइड्रोजन किसी एल्किल या एलिल समूह के द्वारा विस्थापित किए जाते हों। ठीक है, तो ये क्या हमारी अमीन की परिभाषा कहलाती है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन इसके वर्गीकरण की ओर चलते हैं कि अमीन जो हमारे जो हमने यहाँ पर तीन तरीके से लिखी तो हुई है ना, कि किस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जाता है, देखिए करके उनको भी समझ लेते हैं। ठीक है जरा, एक चीज और देख लो अमीन के बारे में, अगर अमीन के बारे में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लो लिखा है CH3NH2, एक कार्बन की चेन NH2 अमीन, कौन सा अमीन? मेथिल अमीन है इसका नाम। क्या नाम है इसका? मेथिल अमीन, क्योंकि एक कार्बन को हम लोग मेथिल कहते हैं और अमीन NH2 को क्या कहते हैं? अमीन कहते हैं। अगर यही दो कार्बन की चेन लगा दें यानी कि C2H5NH2 तो ये क्या कहलाएगी? हमारी एथिल अमीन कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? हमारी एथिल अमीन कहलाएगी। तीन कार्बन की चेन लगा दें तो प्रोपिल, चार कार्बन की लगा दें तो ब्यूटिल। अगर उसी प्रकार से अगर मान लो बेंजीन को लगा दें हम लोग, किसको लगा दें? बेंजीन भाई साहब को लगा दें, किसके साथ? NH2 ग्रुप के साथ में, तो बेंजिल अमीन कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? हमारी बेंजिल अमीन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हमारी बेंजिल अमीन, ये बेंजिल अमीन कहलाएगी। ठीक है, ठीक है, हमारी बेंजिल अमीन है। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसके वर्गीकरण की बात करते हैं कि जो हमारा अमीन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, जो अभी बनाए थे उसे को समझ लेते थोड़ा और। ठीक है, वैसे तो क्लियर हो गया होगा ना आई थिंक, अगर क्लियर हो गया तो कमेंट में यस जरूर लिख दिया करिए आप लोग। ओके, देखिए जरा हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन की, अगर बात करते हैं वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन की बात करते हैं तो देखो जरा, सबसे पहले प्राइमरी अमीन, किसकी बात करते हैं हम लोग? प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन में कहता है व्हेन द डेरिवेशन डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इट रिप्लेस वन हाइड्रोजन बाय द एल्किल और एल्काइल ग्रुप आर नोन एज प्राइमरी अमीन। क्या कह रहा है? अमोनिया से, किससे? अमोनिया से अगर एक हाइड्रोजन को किसी एल्किल या एरिल समूह के द्वारा निकाल दिया जाए तो उसी को प्राइमरी अमीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्राइमरी अमीन कहते हैं। जैसे ये लिखा है मैंने, कोई इसके साथ में मान लो कोई एक्स वगैरह जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी एक्स इसके साथ में, क्या अगर हम कहते हैं इसके साथ में कोई एक्स जुड़ा हुआ है, ठीक, एक सेकंड, हम क्या कहते हैं इसके साथ में जुड़ा, कोई इसके साथ में एक्स जुड़ा हुआ है तो इस एच के साथ एक्स निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा? हमारा आर NH2 बन जाएगा। सिंपल सी, हमें मतलब नहीं, हमें तो अभी ना भी R X लिखे कोई दिक्कत नहीं है, हम ये कह सकते हैं इस एल्किल समूह ने इस एक हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर दिया है और उसकी वजह से क्या बन गया? RNH2 बन गया है, जिसको प्राइमरी अमीन कह रहे हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम द अमोनिया बाय द एल्किल और एल्काइल ग्रुप एलाइल ग्रुप
इज नोन एज प्राइमरी अमीन। उसी प्रकार से अगर हम लोग सेकेंडरी अमीन की बात करते हैं, किसकी? द्वितीयक अमीन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? द्वितीयक अमीन की। हम किसकी बात कर रहे हैं? द्वितीयक अमीन की बात कर रहे हैं। द्वितीयक अमीन में क्या होगा? जो हमारा प्राइमरी अमीन था कौन था? RNH2 था। इससे फिर से एक हाइड्रोजन निकाल दें एक एल्काइल के द्वारा। किसके द्वारा? एक एल्काइल के द्वारा। तो क्या बचेगा? प्लस में R जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? RNH और R। क्या लिख सकते हैं? When the derivation of derivative of ammonia replaces two hydrogen by the alkyl group is known as secondary amine। क्या बोल रहे? अमोनिया से दो हाइड्रोजन को किसी एल्किल या एल्काइल ग्रुप से एलाइल ग्रुप के समूह के द्वारा विस्थापित किया जाता है तो द्वितीयक अमीन का निर्माण होता है। तो चलते हैं टर्शियरी की ओर, भागते हैं जरा। टर्शियरी अमीन की अगर हम लोग बात कर लें, किसकी अगर बात करते हैं? टर्शियरी अमीन की बात करते हैं। तो टर्शियरी अमीन में कहते हैं अगर अमोनिया भाई साहब के तीनों के तीनों हाइड्रोजन को चुरा लें, क्या तीन के तीनों हाइड्रोजन को चुरा लें किसी एल्काइल ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा? किसी एल्काइल ग्रुप के द्वारा। अब तीन चाहिए तो तीन तो आर चाहिए ना, जितने बॉन्ड निकल रहे हैं उतने को जोड़ने वाला भी चाहिए। तो तीन भाग रहे तीन, क्योंकि नाइट्रोजन कहता भाई एक काम करते हैं, भले तुम तीन हाइड्रोजन निकाल आए, हमें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, हम मोए मोए नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये तीनों एल्काइल ग्रुप इस तीनों हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो क्या बनेंगे? आर आर और आर। तो क्या हो गया? ये टर्शियरी अमीन बन गई। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन का फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है और इन्हें हम लोग कहते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स, या फिर कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमोनिया जो होता है वो तीन प्रकार में टूटा होता है। अब एक क्वार्टनरी, क्वार्टनरी क्या है? तो क्वार्टनरी में क्या कहते हैं? जो टर्शियरी अमीन के पास लोन पेयर बैठे होते हैं कुछ इस प्रकार से, देखो जरा। कुछ इस प्रकार से अगर हम कहें आर एन आर, ये आर टर्शियरी अमीन है, ये बैठी हुई इसके पास लोन पेयर, कहता है लोन पेयर है, जोड़ना चाहो तो जोड़ लो। किसको? एल्काइल ग्रुप को। कैसे? अच्छा, एल्काइल ग्रुप अगर मान लो, समझना थोड़ा सा, अगर ये आर एक्स होता, बॉन्ड टूटता, एक्स पे माइनस आता, एल्काइल पे प्लस आता, तो आर पे क्या होगा? प्लस। ये लोन पेयर भाई साहब कहते हैं टूट तो जाएंगे लेकिन हम बनाएंगे प्लस माइनस। ये कहता बनाओ, ये किस पे जुड़ेगा? ये माइनस पे जुड़ जाएगा। तो बन क्या जाएगा? देखो जरा, चार एल्काइल ग्रुप लगा लिए इसने अपने साथ में, कितने? चार चार, बिल्कुल। तो R4N और N पे क्या बचा? देखो माइनस से तो जुड़ गए, प्लस बचा क्या? प्लस। अब इसको कहते हैं क्वार्टनरी अमीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्वार्टनरी अमीन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? क्वार्टनरी अमीन, यानी कि तृतीयक नहीं, चतुर्थक अमीन बोलेंगे। चतुर नहीं है 3D वाला, 3D मूवी वाला, चतुर्थक अमीन है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है? हमारा क्वार्टनरी अमीन का भी निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये तो थी इसकी क्लासिफिकेशन की बात। थोड़ा सा चलते हैं नॉमनक्लेचर की ओर चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नॉमनक्लेचर ऑफ बायोफिजिक नेमिंग। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉमनक्लेचर ऑफ अमीन की बात करते हैं। कैसे लिखते हैं इसके नॉमनक्लेचर की अगर हम बात करेंगे तो इसका कॉमन नेम क्या होता है और इसके आयुपेशी नाम किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, इसके आयुपेशी नेम भी किस प्रकार से लिखते हैं। देखो समझना है बस थोड़ा सा, कैसे कॉमन नेम क्या लिखेंगे? एल्किल अमीन। क्या लिखेंगे? एल्किल अमीन। क्या लिखेंगे? एल्किल अमीन। और आयुपेशी नाम क्या लिखेंगे? एल्किल की जगह एल्केन अमीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? एल्क और सिंगल बॉन्ड का इन और अमीन का लिखेंगे अमीन। अमीन का क्या लिखेंगे? एमाइन, ई एम आई एन ई। क्या लिखेंगे? एमाइन। और आयुपेसी नाम में कैपिटल नहीं लिखते हैं, बस इतनी सी बात लिख सकते हैं हम लोग, याद रखते हैं। पहला लेटर लिख भी सकते हैं, चलो कोई नहीं। देखो जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या लिखा है? CH3NH2।
क्या है, NH2, एक कार्बन का है और एक कार्बन के एल्कोल को कहते हैं मैथ, एक कार्बन के एल्कोल को कहते हैं मैथ, तो लिखो मैथ। YL लगाना है और अमीन का अमीन नोट कर देना है, अमीन। ये क्या हुआ, इसका कॉमन नेम हो गया। आईपीएच नाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या कहेंगे आईपीएच नाम के लिए, एक कार्बन के एल्किन को कहते हैं मैथ, सिंगल बॉन्ड का एन, क्या लगाएंगे सिंगल बॉन्ड का एन और अमीन का अमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिन ना माइन, मैथिन ना माइन। दो कार्बन के लेते हैं जरा, CH3CH2NH2, क्या नाम हुआ इसका, देखो आईपीएसएन कॉमन नेम लिखा है तो दो कार्बन को कहते हैं एथिल में एथ, क्या कहते हैं एथ, और पीछे क्या लगाना है YL और लिख देना है अमाइन, तो अमाइन, तो एथिल अमाइन। और आईपीएसएन नाम में क्या लिखेंगे, दो कार्बन को कहते हैं एथ, क्या कहते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड का एन और अमाइन का अमाइन, अमाइन का अमाइन। अगर हम इसी की जगह मान लो बेंजीन ले लें, ये बेंजीन पे NH2 लगा दिया, अब इसका नाम लिखना है, तो आईपीएसएन नाम में लिखे बेंजिल अमाइन, क्या लिखेंगे बेंजिल, बेंजिल बेंजिन को क्या बोलते हैं, बेंजिल पढ़ते हैं और अमाइन। और आईपीएसएन नाम में भी क्या लिखेंगे, बेंजीन अमीन, क्या लिखेंगे अमीनो बेंजीन, थोड़ी ना लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे हम लोग इसको लिखेंगे ए, हाँ इसको क्या लिख देंगे बेंजीन अमीन, बी ए बेंजीन एमाइन। और इसी का नाम एक और नाम होता है इसका, बेंजिल अमाइन की जगह इसका लिखना नाम क्या है, तो एनिलीन भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं एनिलीन। तो इसका कॉमन नेम भी क्या होता है, इसका एनिलीन होता है, बेंजिल अमाइन की जगह एनिलीन भी इसका कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। तो सिंपल सा है, देखो भाई क्या है, कॉमन नेम में एल के लिखो पीछे वाई लगा दो, एल का मतलब कार्बन की संख्या, जो एक को मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक होता है, और वाई एल साइड चेन की वजह से नहीं, एक एल्काइल ग्रुप की वजह से लगेंगे। जबकि आईयूपीएसी नेम में एल के मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इसको लिखेंगे, साथ में सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो ई, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आई लगा देंगे। लेकिन बात यही ना रुक के इसमें कुछ बातें आ जाती हैं सेकेंडरी और प्राइम टर्सरी अमीन की, ये तो ऐसे ही हो जाती हैं, लेकिन अगर हम बात करें कुछ सेकेंडरी अमीन के एग्जांपल की बात करें, जैसे लिखा CH3NH और CH3, इसका नाम लिखना है, तो देखो कॉमन नेम में दो दो मेथिल लगे तो लिख दो डाइमेथिल, क्या लिख देंगे डाइमेथिल, और अमीन तो अमीन लगेगा, क्या लगाएगा अमीन। लेकिन आईयूपीएसी में अब नाम लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं, एक को साइड चेन में दे देंगे और एक को, मतलब आईयूपीएसी नाम लिखने के क्या करते हैं, एक तरफ इसको दे देंगे और एक तरफ क्या लिख देंगे, केवल साइड चेन का नाम लिख देंगे। लेकिन सेकेंडरी अमीन में एक एन का यूज कर लेते हैं, क्या करते हैं एक एन का यूज कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे एन मैथिल, एक साइड चेन का नाम लिख दिया और फिर क्या है, ये मैथिल है, मैथिन अमाइन, ये क्या हो जाएगा मैथेन और अमाइन, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मैथेन एमाइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एन मैथिल एमाइन। वही अगर हम लोग टर्सरी अमीन की बात करें, टर्सरी अमीन जैसे मान लो एग्जांपल लिखा CH3N CH3 और CH3, इसका नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, कॉमन नेम में तीन तीन मेथिल लगे तो ट्राई मेथिल लिख दो, क्या लिख दो ट्राई मेथिल अमीन। लेकिन वही कॉमन नेम में तीन अमीन है तो देखो एक को तो क्या करोगे इसके साथ जोड़ दोगे, दो बची साइड के मेथिल तो डाई मेथिल, लेकिन अब के बाद दो लगे, दो मेथिल है, दो साइड चेन, दो एन लगाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे एन कोमा एन और डाइमेथिल, डाइमेथिल अमीन, ए क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा। तो कॉमन नेम की अगर बात करते हैं तो जितने एल्केल है, डाई है, ट्राई है, तो उसका यूज कर लेंगे और अमीन लिख देंगे। लेकिन वही आईपीएसी में क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं, अगर सेकेंडरी है तो एक एन पहले लगा देंगे, टर्सरी है तो दो एन लगा देंगे, एक एन को क्या करेंगे CH3 के साथ में ले लेंगे, एक को क्या करेंगे कार्बन चेन को साइड के तौर पर लिख लिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग कॉमन नेम या आईपीएसी नेम अमीन के कर लेते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो देख के मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, अगर हाँ कोई डाउट है
तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन को ओपन है, कमेंट सेक्शन करके आप लोग पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो से जुड़े रहिए, वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। लास्ट टाइम आगे पेपर के बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है, बताना नहीं कह दो, सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो, मजा आएगा और नंबर भी अच्छे आओगे आप लोग। ठीक है, तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए, मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, गुड नाइट, सत श्री अकाल।